अब हम बात कर लेते हैं और भी यूनिवर्सिटी के पास, मतलब कोर्सेज कौन कौन से यूनिवर्सिटी चलाती है। हालांकि कोर्सेज तो यूनिवर्सिटी बहुत सारे चलाती है, आप क्या कीजिए सीधा होम पेज पर जाइए। आप यूनिवर्सिटी के वापस होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पर जाने के बाद में, ये जैसे कि मैं होम पेज पर वापस आ गया इस यूनिवर्सिटी के, तो होम पेज पर आने के बाद में काफी सारे कोर्सेज के बारे में मेंशन है। यूनिवर्सिटी बोलती है ओपीजीएस स्टडी एरिया, इसमें कौन कौन से कोर्स चलते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, आप जाकर देख लेना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी कितना बड़ा है, पता होना चाहिए आपको। मेडिकल हेल्थ केयर में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। दोस्तों आज जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करने वाले हैं, हालांकि बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हमारी वीडियोस में जाकर, व्हाट्सएप भी करते हैं, बट हमने पहले वीडियोस कुछ बनाई हैं हालांकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में लगभग 2-3 साल पहले। आज मैं काफी डिटेल में आपको बताऊंगा ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के बारे में। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी जो कि चलती है राजस्थान चूरू में ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों। इस यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे अप्रूवल्स हैं, बट अप्रूवल्स को जानने के लिए कम स्टूडेंट्स हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, पर ज्यादातर स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन अगर आपने ले लिया है किन किन बातों का आप ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे कराएंगे, जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप कैसे निकालेंगे, और भी कई सारी बातें जो सवाल अक्सर आप हमसे पूछते हैं। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के बारे में काफी हद तक डिटेल्स देने की कोशिश आपको मैं करूंगा। सभी कोर्स पर हम बात करेंगे, यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, किन किन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ख्याल रखें अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। और साथ में ही जानेंगे यूनिवर्सिटी का विकिपीडिया पे क्या अपडेट है, ऐसी कई सारी बातें ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के बारे में सभी कुछ चीजें जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों ओपीजेएस यूनिवर्सिटी उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट जो बॉडी करती है वो है यूजीसी, और यूजीसी के ऊपर देखा जाए तो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब बात क्या होती है, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जो यूनिवर्सिटी पर रेख देख करती है यूजीसी, क्या अपनी वेबसाइट पर अपडेट करती है उनके सभी अपडेट्स को? दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाइप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन एमबीए होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाइप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी, और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं और भी यूनिवर्सिटी के पास, मतलब कोर्सेज कौन कौन से यूनिवर्सिटी चलाती है। हालांकि कोर्सेज तो यूनिवर्सिटी बहुत सारे चलाती है, आप क्या कीजिए सीधा होम पेज पर जाइए। आप यूनिवर्सिटी के वापस होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पे जाने के बाद में, ये जैसे कि मैं होम पेज पर वापस आ गया इस यूनिवर्सिटी के, तो होम पेज पर आने के बाद में काफी सारे कोर्सेज के बारे में मेंशन है। यूनिवर्सिटी बोलती है ओपीजीएस स्टडी एरिया, इसमें कौन कौन से कोर्स चलते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, आप जाकर देख लेना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी कितना बड़ा है, पता होना चाहिए आपको।
मेडिकल हेल्थ केयर में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, स्पेशल एजुकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन आरसीआई की जो मैंने आपसे बात की वो, एनसीसी टाइप के कोर्स करवाती है, फायर एंड सेफ्टी, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है ये, बहुत सारे स्टूडेंट फायर एंड सेफ्टी पर एडमिशन लेना चाहते हैं, मैंने वीडियो बनाया है स्पेसिफिकली, आप देख लेना। फिलॉसफी एंड रिसर्च, रिसर्च के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब भी कोई किसी भी यूनिवर्सिटी को मान लीजिए यूजीसी का अप्रूवल मिल गया, तो यूजीसी का अप्रूवल मिलने के बाद सभी वो यूनिवर्सिटीज सभी तरह के सर्टिफिकेट डिप्लोमा यूजी पीजी कोर्सेज चला सकती है, पीएचडी में भी एडमिशन ले सकती है, उसके लिए कोई अलग से मान्यता की जरूरत नहीं लेनी पड़ती किसी भी यूनिवर्सिटी को। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो यूनिवर्सिटी रिसर्च की बात करती है तो उस रिसर्च में आ सकता है, पैरामेडिकल कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, साथ में फार्मेसी कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, बी फार्मेसी डी फार्मेसी एम फार्मेसी, लॉ में एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी, मतलब 3 साल की लॉ कर लीजिए, 5 साल की लॉ कर लीजिए, एलएलएम कर लीजिए, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी करवाती है, एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन मतलब बीपीएड की बात हो रही है यहाँ पर यूनिवर्सिटी करवाती है, अप्रूवल आपको देखना होगा समझना होगा, फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेजेस पर कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, साथ में ही आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज में एडमिशन लेती है, साइंस में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती है, मतलब कि बीए बीकॉम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बीएससी की बात कर रहे हैं, एमएससी की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज, बीलिप करना चाहते हो, बीलिस करना चाहते हो, एमलिप एमलिस करना चाहते हो, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, बीएचएम एमएचएम कोर्स जो होते हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग करना चाहते हो, बताया था मैंने आपको बीआर के बारे में, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी यूनिवर्सिटी करवाती है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज करवाती है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, साथ में और भी कुछ कोर्सेज के बारे में हालांकि मेंशन है पर इनके लिए अलग से खास अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है, आपको जाके देखना होगा। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने जाना होगा ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के बारे में, कोई भी डिटेल्स आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे और हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।